एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है संडे की इवनिंग से। वैसे तो मेरा आज व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, मैंने सोचा था कि मंडे मॉर्निंग से बनाऊंगी, बट फिर जो है ना मेरा कुछ काम आ गया। मैं जो बनाने लगी थी प्रोटीन पाउडर, तो उसके लिए ना मेरे पास एक कमेंट आया था जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किसी एक वीडियो में कि दीदी आप जब भी आगे प्रोटीन पाउडर बनाओगे तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मुझे आज हस्बैंड के लिए बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग आज से ही स्टार्ट कर देते हैं। और इस व्लॉग में साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने मतलब कामों को किस तरह से करती हूँ। सुबह सुबह जब बेटा स्कूल जाता है तो किस तरह से जो है काम चलते हैं मेरे, वही सब आपको जो है ना इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अभी तो सबसे पहला काम यहाँ पर था, मेरा जो घी वाला ये कंटेनर है ना, ये खाली हो गया था तो मैंने उसको फिल किया है। कांच वाला है तो उसको वॉश करके मैंने उसमें जो है घी डाल दिया है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए कुछ सामान ले लिए हैं। तो ये जिस एक कटोरी में जो आपको एक ग्रीन और वाइट से सीड दिख रहे हैं ना, इसमें सूरजमुखी के सीड हैं, पंपकिन के हैं और वाटरमेलन के हैं। तो ये तीन चार तरह के सीड मैंने लिए हैं और सारी कटोरी ना एक ही मेज़रमेंट की है। तो मतलब वैसे मैं आपको ग्राम वगैरह में नहीं बता सकती कि कितने हैं, मुझे नहीं पता कितने होंगे, बट कटोरी सेम है। तो एक कटोरी बादाम है, एक कटोरी काजू है, एक कटोरी अखरोट है, एक कटोरी ही गुड़ लिया है मैंने और एक कटोरी ही ये सारे मिक्स सीड थे। साथ ही तीन से चार कटोरी मैंने यहाँ पर सत्तू लिया है, जो चने वाला सत्तू आता है, और एक कटोरी मैंने यहाँ पर रागी का आटा लिया है। तो सबसे पहले जो है ना हमें जितने भी ये ड्राई फ्रूट हैं हमारे, इनको जो है घी में रोस्ट करना है। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी डाल दिया था, मुझे ऐसे ही याद था, फिर हस्बैंड ने कहा कि मेरे लिए तो ड्राई रोस्ट ही करने थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ही घी डाला है। उसके बाद मैंने किसी भी चीज़ में जो है ना घी ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर काजू जो होते हैं ना उनको रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि काजू रोस्ट होने में सबसे कम टाइम लेते हैं। तो जितने भी मेवे हैं ना वो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेते हैं, इसलिए मैं सबको अलग अलग से जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। काजू रोस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर बादाम डाल दिए हैं और बादाम जो है ना चटकने लगते हैं जब ये मतलब अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो बस इनको रोस्ट करने के बाद मैं फिर जो है ना बारी बारी से करके सारे ही जो मेरे ड्राई फ्रूट है ना उनको रोस्ट कर लूँगी। और मैं जो ये प्रोटीन पाउडर बना रही हूँ ना, तो गाइस इसे आप कोई भी खा सकते हैं, मतलब किसी भी एज के। जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उनके तो डाइटिशियन ने ये उनको मतलब रेसिपी बताई है, बट उन्होंने कहा कि इसे आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, आपकी वाइफ हो या कोई भी हो घर में, कोई भी खा सकता है, बस क्वान्टिटी थोड़ी कम और ज़्यादा करनी है। तो मैंने तो अभी दिवित को जो है पहले मैं प्रोटीन वो पिलाती थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका, पाउडर जो मतलब प्रोटीन पाउडर वगैरह आते हैं वो पिलाती थी दूध में डालकर, बट अब मैंने जो है ना वो बंद कर दिया है बिल्कुल। लगभग 5-6 महीने हो गए हैं और अभी जो है ना मैं बस डुगू को घर पर ही ये प्रोटीन पाउडर बनाकर दे देती हूँ, या आप चाहें तो इसका आप जो है ना लड्डू भी बना सकते हैं। तो देखिए मेवे मैंने सारे भून लिए थे, उसके बाद मैंने हल्का सा रागी के आटे को भी भूना था, और जो सत्तू है ना इसे आप चाहें तो हल्का सा भून सकते हैं, नहीं तो ये जो भुने चने होते हैं उसका पाउडर होता है, तो उसको भूनने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ना अभी यहाँ पर रागी का आटे को और सत्तू को एक जगह मिक्स कर रही हूँ, और ये जो मेवे मैंने सारे भुने हैं ना ये अभी थोड़े से गर्म थे, तो मैं इनको अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं आकर इनको मिक्सी में पीस लूँगी। तब तक अपने घर के जो और काम है ना वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बाहर आ गई थी कपड़े वगैरह जो है उतारने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मेरी वॉशिंग मशीन का टब ख़राब हो चुका है, तो देखिए ये टॉवल ना मैंने उस दिन वॉश किए थे और ये आज जाकर जो है ना थोड़े से सूखे थे, क्योंकि उस दिन से ही वेदर मतलब बारिश वाला ही था, धूप निकल नहीं रही है और मॉइस्चर इतना ज़्यादा है ना हवा में, तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं।
तो अभी बस यहाँ पर ये सूख गए थे, 2-3 दिन लगे इन टॉवल वगैरह को सूखने के लिए। इन सब को उतार कर अभी तो मैं रख दूँगी अंदर, थोड़ी देर में इनको फोल्ड करूँगी, क्योंकि जब तक मैंने कपड़े वगैरह उतारे ना, मेरा जो ये था ड्राई फ्रूट, ये हो कुछ ठंडे हो चुके थे, तो मैंने देखे जो बाउल में है ना ये ड्राई फ्रूट है, इनको मिक्सी में पीस लिया था हल्का दरदरा सा, साथ ही मैंने गुड़ भी इसमें पीसा है। क्योंकि मैं थोड़े से यहाँ पर आपको लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ, अगर आप मतलब इस पाउडर को ऐसे ही नहीं खाना चाहते हैं या आपके बच्चे नहीं खा रहे हैं ना, तो आप उन्हें इस तरह से लड्डू भी बनाकर दे सकते हैं। गुड़ मैंने इसलिए यहाँ पर पीसा है क्योंकि गुड़ ज़्यादा हेल्दी होता है चीनी की जगह, और अगर आपके पास खांड है ना तो उससे वो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है, आटे के बराबर ही मैंने गुड़ ले लिया था, और उतना ही जो है ना मैं ये ड्राई फ्रूट का पाउडर इसमें मिक्स कर दूंगी। तो क्योंकि मैंने इस आटे को मतलब जो रागी का और सत्तू था इसको भूनते मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला था, क्योंकि ये हस्बैंड के लिए बन रहा है, तो ये इनके इसके लड्डू बनने ना थोड़े से हार्ड हो रहे थे। तो अगर आपके लड्डू भी नहीं बनते हैं ना, तो आप या तो आटे को भूनते हुए उसमें घी डाल लीजिए, और अगर आपने नहीं डालना है तो इस टाइम पर जो है ना मैंने भी 1 से 2 चम्मच घी इसमें ऐड कर लिया था, तो फिर ये लड्डू जो है ना इजीली बंध गए थे। वो मैं देखिए आप आगे देखिएगा, घी ऐड करने के बाद लड्डू जो है ना अच्छे से बंध गए थे। तो इन सारी चीज़ों को, तीनों चीज़ों को ना मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद देखिए घी डालने के बाद ना इसके लड्डू आसानी से बन गए थे। और दिवित को तो इतने ज़्यादा पसंद आए ना, तो वो बोल रहा था कि मम्मी ये तो ना बेसन के लड्डू से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दोनों चीज़ें रखी हैं, जब भी ये ख़त्म हो जाएंगे फिर से बना देना, सिर्फ तुम्हें गुड़ को ही मतलब मिक्सी में पीसना है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर ये बनाकर खिलाइएगा, काफ़ी हेल्दी होते हैं। मैं जैसे कह रही थी ना कि मतलब प्रोटीन पाउडर भी मुझे इसका बनाना है, तो प्रोटीन पाउडर आप इस तरह से बना सकते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट थे वो तो मैंने पाउडर बना ही लिया था, अभी मैं ना इसमें गुड़ थोड़ा सा मतलब पीस रही हूँ, मेरा मिक्सी में ध्यान नहीं रहा था इसके लिए पीसना, तो मैं ना जो अदरक कूटने वाला होता है उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पर गुड़ को बारीक कर लिया है, और अब इस ड्राई फ्रूट के पाउडर में जो है ना मैं इस गुड़ को मिक्स कर दूँगी, और बस क्योंकि हल्का सा इसको मीठा करना है हमें तो। और अभी जो है ना मैं इन सबको, गुड़ को और ये जो पाउडर है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे हस्बैंड इसे दही के साथ खा लेते हैं, और या फिर जैसे छाछ वगैरह में मिलाकर भी, उनके डाइटिशियन ने बता रखा है कि आपको ये खा लेना है, क्योंकि प्रोटीन पाउडर खाना मतलब ज़रूरी है, चाहे आपको वेट गेन करना हो या वेट लूज़ करना हो, दोनों ही चीज़ों में जो है ना प्रोटीन काफ़ी मतलब वैल्यू रखता है, बस उसको लेने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो मैंने उसको तो पाउडर को डब्बे में भर के रख दिया है, और अभी जो ये चना, वो सत्तू और रागी का आटा था ना, वो भी गर्म था, तो मैं उसको भी ऐसा ही छोड़ कर आ गई हूँ। और बस उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आ गई थी दिवित की यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए, क्योंकि कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं मंडे से, तो उसकी जो दोनों यूनिफॉर्म है ना वो मैं यहाँ पर आयरन कर दूंगी। और थैंक गॉड कि फ्राइडे में जो है मेरी मशीन बिल्कुल ठीक थी, तो दोनों यूनिफॉर्म जो है ना उसकी मैंने फ्राइडे में ही वॉश कर देती हूँ मैं, या सैटरडे मॉर्निंग में। तो सैटरडे में भी दूसरे लोट में ख़राब हुई थी ना मेरी मशीन, तो दोनों यूनिफॉर्म जो है ना उसकी वॉश हो गई थी, जिसकी वजह से वो सूख भी गई है। अदरवाइज़ मतलब ऐसे वेदर में तो यूनिफॉर्म जो स्पेशली उसका शॉर्ट है, उसकी बेल्ट नहीं सूखती है। तो बस यहाँ पर ना मैं उसके दोनों यूनिफॉर्म को ना मैं संडे में ही आयरन करके रख देती हूँ। मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मंडे मॉर्निंग को,
तो अभी यहाँ पर दिवित के जो है स्कूल में भेजने के लिए, मतलब मुझे जो लंच वगैरह बनाना है ना, उसकी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। दिवित भी उठ चुका है, आज वो जल्दी उठ चुका था, और फिर वो अपने पापा के साथ जो है ना नीचे साइकिल भी चलाने गया है जल्दी उठने की वजह से। तो यहाँ पर मैंने उससे पूछा था कल इवनिंग में ही कि वो क्या लेकर जाएगा। मैंने उसको ऑप्शन दे दिए थे कि वो उत्पम लेकर जाएगा या पनीर का पराठा, तो उसने बोला कि वो उत्पम लेकर जाएगा। तो मैं यहाँ पर बस उत्पम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सूजी ली है और उसमें जितनी, मतलब जैसे एक कटोरी सूजी है तो मैंने हाफ कटोरी कर्ड डाल दी है और उसको मिक्स करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया है, जिससे कि जो हमारी सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। उसी के साथ मैं यहाँ पर ना सब्जी जो उसमें मुझे डालनी है उसकी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ कट करने की। तो मेरे घर में जो जो सब्जियाँ थी, जैसे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, आपके पास बीन्स वगैरह हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग उत्पम पर जो है ना सब्जियाँ ऊपर से डालते हैं, मतलब जैसे उसे तवे पर फैलाते हैं उसके बाद, बट मेरे घर में इस तरह से पसंद करते हैं। तो मैं सब्जियों को सूजी में मिक्स कर देती हूँ, और मैंने थोड़ा सा धनिया, वो सॉरी पुदीना पाउडर भी इसमें डाला है, और अभी मैं नमक डाल रही हूँ और काली मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ, पुदीने का पाउडर भी इवन मैंने आज ही डाला है, नहीं तो बस काली मिर्च और नमक मैं इसमें डालती हूँ। और इसी तरह से ना बिल्कुल इसी मिक्सचर के मैं जो वो बनाती हूँ ना अप्पे, वो भी बस ऐसे ही बनते हैं। बस अप्पों का जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा मतलब टाइट होता है, और उत्पम का थोड़ा सा लिक्विडी, हल्का सा लिक्विडी, जैसे इस तरह का। तो बस यहाँ पर मेरा मिक्सचर तो बनकर रेडी हो गया था, अभी बस तवे पर फटाफट से मैं बना दूँगी उत्पम दिवित के लिए और अपने लिए भी। बस इसमें ना थोड़ी सी मुझे ये लगता है कि उत्पम जो है ना वो सिकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। एक एक उत्पम को सेकने के लिए ना आपको 2 से 3 मिनट चाहिए ही होती हैं, नहीं तो वो सही से जो है सिकता नहीं है। अप्पे में ये है कि आप बस एक पैन होता है और उसमें आपको वो फिल कर देना होता है, तो वो एक टाइम में ही काफ़ी सारे बन जाते हैं। और दिवित को भी और मुझे भी जो है ना अप्पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को कम अच्छे लगते हैं, बट हम दोनों को वो अप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने दिवित के लिए भी बना दिया, और अभी बस अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी बना दूँगी, क्योंकि आज वो भी यही खाएंगे। उन्हें जो है ना सब्जियों वाला कुछ भी, मतलब जिसमें सब्जी ज़्यादा हो वो कुछ भी खा सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। तो इसमें भी काफ़ी सारी सब्जियाँ डली हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं एक उत्पम खा लूँगा, और उनका सैलड वगैरह तो रहता ही है खाने में। तो किचन वगैरह का ना सारा काम हो गया था, क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, और मैं आ गई थी बेडरूम में। मैं बेडशीट चेंज नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब पड़ी है, और अभी हमने जो है ना कंप्लेन भी कर दी है, सैमसंग की मेरी मशीन है वहाँ पर कंप्लेन की है। तो पहले तो प्रॉब्लम ये आई कि उन भैया का कॉल आया आज सुबह ही, मतलब संडे मॉर्निंग में ही, कि आप मतलब अपनी सोसाइटी का एड्रेस बता दीजिए। और जैसे ही हमने बताया ना, तो वो कहने लगी कि ये एरिया मेरे अंडर नहीं आता है, कि मैं ये जो कंप्लेन है ना वो आगे भेजता हूँ, तब आपके यहाँ और कोई बंदा आएगा। तो अभी मतलब मैं ये मंडे ट्यूसडे में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो भैया फिर मंडे में आए, और अभी भी जो है ना वॉशिंग मशीन को ठीक होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे वो बोल कर गए हैं। तो पता नहीं 2 से 3 दिन लगेंगे या जितने भी दिन लगेंगे, अभी तो बस यही, मतलब मुझे डेली टेंशन होती है कपड़े धुलने की, और उससे ज़्यादा होती है उनके सूखने की। तो यहाँ पर देखिए बस मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, क्योंकि उस बेडशीट को जो है डाले हुए 3 से 4 दिन हो गए थे। और जब छोटा बच्चा आपके घर में होता है ना, वो जैसे पार्क से खेल कर आता है, वैसे तो मैंने उसे हैबिट डाली हुई है, वो हमेशा पार्क से आए या बाहर से हैंड वॉश वगैरह लेग वॉश करता ही है, बट फिर भी जो है ना छोटे बच्चे के साथ थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो 3 से 4 दिन के बाद मुझे बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है। तो वो चेंज की और फिर मैं आ गई यहाँ पर बाहर। आज मैं सोफ़े पर, जहाँ पर हम मतलब बैक साइड जहाँ पर कमर रखते हैं ना, इस बैक साइड पर जो है ना मैं इसके कवर डालने वाली थी। इनको वॉश किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, और बस मैं थोड़ा सा इनको टालती ही जा रही थी, बट आज थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा चलो इनको भी डाल देती हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट आए थे 1 से 2 की, दीदी आप कैसे अपने एल शेप के सोफ़े के कवर बनाते हो। तो गाइज देखिए, ये ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरा कपड़ा था, और जो दूसरी साइड में डाला है ना, मतलब ये इतना बड़ा था, दोनों एक जगह जॉइंट थे, पूरा का पूरा ये कपड़ा था,
इसको बस मैंने बीच में से कट किया है, और उसके बाद आपको अपने सोफ़े की शेप के अकॉर्डिंग इसको मतलब कट कर लेना है। जैसे मेरा जिस साइड में अभी डाली हूँ ना, ये साइड थोड़ा छोटा है और दूसरी साइड वाला थोड़ा लंबा है, तो आपको जो है ना उसी के अकॉर्डिंग ये कट कर लेना होता है। और फिर बस आपको सिलाई लगा लेनी होती है जहाँ से आपने कट किया, जैसे मिडिल से कट किया है ना, तो दोनों साइड दोनों कवर पर सिलाई लगा लीजिए और ये आपके जो है ना सोफ़े के अकॉर्डिंग रेडी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं आगे अगर कभी भी कवर बनाती हूँ अपने सोफ़े का तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो रेड वाले हैं ना, ये भी मैंने खुद से ही घर पर बनाए थे, तो देखते हैं, मैं सोच रही हूँ अभी सोफ़े के कवर बनाने का, अगर बनाए तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर वो मैंने बैक साइड डाल दिए थे कवर, अभी ये रेड वाले मैंने चेंज नहीं किए थे। ये मुझे ना इसीलिए अच्छे लगते हैं, ये जल्दी से गंदे नहीं होते हैं तो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। और बस सबको झाड़ कर मैंने यहाँ पर कुशन वगैरह लगा दिए थे और फिर आ गई थी मैं अंदर। अभी जो है मुझे कपड़े वॉश करने हैं, तो उससे पहले ना मैंने आज सोचा कि चलो हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कपड़े वॉश करने में मुझे टाइम लगेगा और बाथरूम भी क्लीन करना है। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, तो बाल ना जैसे रेनी सीजन है तो पता नहीं अजीब से फ्रिजी से हो रहे थे, तो ऑयलिंग कर ली थी। तो अभी मुझे आराम से जो है ना आधे से पौन घंटा लग जाएगा बाथरूम वगैरह के सारे काम करने में, तो अच्छे से जो है ना ऑयल मेरे मतलब अच्छे से बालों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी जो कपड़े हैं, जैसे हस्बैंड वॉक पर जाते हैं, वो सुबह सुबह रनिंग करते हैं, तो उनके कपड़े डेली वॉश होते हैं, शॉर्ट और टी शर्ट, क्योंकि पसीने में हो जाते हैं। और दिवित के तो पूछो मत, उसके तो 2 से 3 पेयर होते ही हैं डेली, तो वो सब मैंने डाले और बस इनको मैंने वॉश कर लिया था। और अभी जो है ये है शाम का टाइम, इतनी झमाझम से बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, बड़ा अच्छा लग रहा था बारिश देखकर, सुबह से गर्मी हो रही थी काफ़ी। तो चलिए बस गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं बारिश पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको जो मेरा व्लॉग है ना वो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।